फ्रेंड्स, जो लोग SSLC के बाद गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, ऐसे लोगों के लिए आज के इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं, क्योंकि कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KPTCL और ESCOMS में जो है टोटल 2975 यानी 2975 पोस्ट के लिए कॉल फॉर किया गया है, जिसका ऑनलाइन अप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अब ये पोस्ट कौन सा है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या क्या है, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग SSLC के बाद गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए KPTCL और ESCOM में जो है JSEA यानी जूनियर स्टेशन अटेंडेंट, और साथ में जो है JPM यानी जूनियर पावरमैन के लिए जो है कॉल फॉर किया गया है, जिसका ऑनलाइन अप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अब इस अप्लीकेशन में टोटल जो है कुल जो है 2975 पोस्ट रहेंगे, जिसमें कल्याणा कर्नाटका रीजन के 215 और 2760 जो है नॉन कर्नाटका कल्याणा रीजन के रहेंगे। अब इसे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, आखिरी तारीख है, वो 20 नवंबर 2024 यानी 20 नवंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन, इस अप्लीकेशन को अप्लाई करने की क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ SSLC पास है। जी हाँ, सिर्फ SSLC पास ही क्वालिफिकेशन है। और एज जो है, उम्र जो है 18 से 35 साल यानी 18 to 35 ईयर्स जो है एज लिमिट है। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो है एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 17,000 से 28,000 तक है। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद 28,500 से लेकर 63,000 यानी 63,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि इसे अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 20 नवंबर 2024 है, इसके अंदर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रोसेस कैसा रहेगा, सबसे पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन यानी एंड्योरेंस टेस्ट होगा। तो एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या आएगा वो आप ऑफिशियल वेबसाइट KPTCL में जाकर देख सकते हैं। अब इसे अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कैंडिडेट का आधार कार्ड, साथ में SSLC मार्क्स कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में है, साथ में ईमेल आईडी, ये तमाम डॉक्यूमेंट के साथ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग SSLC के बाद गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको चाहिए कि जूनियर स्टेशन अटेंडेंट और जूनियर पावरमैन के लिए ऑनलाइन में एप्लीकेशन छोड़ा गया है KPTCL में, आप इसे 20 नवंबर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इस जॉब में इंटरेस्टेड है। तो जितने भी लोग SSLC पास हैं और जिनकी उम्र 18 से 35 साल की है, तो मैं इस वीडियो के जरिए से उनसे इंटीमेट करता हूं उनको कि इस जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, एक्सपेंस होने पर सैलरी भी जो है अच्छी मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर अप्लीकेशन सबमिट करते वक्त कोई डाउट्स आए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको अगर, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको KPTCL वेबसाइट में जाकर विजिट करना है, वहाँ पर आपको पोस्ट बाई पोस्ट तमाम डिटेल्स मिल जाएंगे। KPTCL याद रहे, KPTCL वेबसाइट को विजिट करना है और वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बखिया जो भी मालूमात हैं आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक सुनहरी मौका है उन लोगों के लिए जो लोग जो है SSLC पास हैं, उनको चाहिए कि वो इसे अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है उनका शुक्रिया। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।